बचपन में देखा था, एक काले कलर का सोफा हुआ करता था जिसके अंदर हवा भरी जाती थी और उसके बाद में उसे ट्रकों से कुचला जाता था तो भी उस सोफे को कुछ भी नहीं होता था। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास वही सोफा है, देखो। और अब आप मुझे बताओ कि किस किस ने इस मनु सोफे का एड अपनी टीवी पे देखा है, बताओ। तुमने भी देखा? सबने। तो गाइस यार हम सभी के बचपन में वो आया करता था। तो गाइस यार जब भी मतलब कि हमारी जो टीवी है, जो डिश टीवी होती थी, उसका रिचार्ज खत्म हो जाता था, बस टीवी स्क्रीन पे एक ही चीज चलती थी नापतोल पे, बस यही सोफा। और मैं देखता था यार कि ये जो सोफा है बहुत ही ज्यादा मतलब कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, हवा भरी जाती है, इधर से उधर ले जाने में आसान होता है और बहुत ही मजबूत होता है। भाई ट्रकों के साथ में रगड़ा जाता था, कार के पीछे बांध के चलाया जाता था, तो तब तो मैं उसे नहीं खरीद पाया। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ये सोफा। तो ये है बेस्ट वे का और जो इसकी जो रेटिंग है वो है कि ये जो है 295 केजी तक का वेट सहन कर सकता है, ये देखो। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि रियल के अंदर ये जो सोफ़ा है अपने बचपन वाला ये कैसा है, ठीक है। तो मैंने इसे अमेज़ोन से ख़रीदा है लगभग 3,500 रुपये के आसपास में, और जब ऐड आता था तब जो इसकी कीमत होती थी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद आता है, बचपन की बात है, 2,000 या 2,500 रुपये का आता था ये सोफ़ा, ठीक है। अभी तो क्या है ना यार कि महंगाई बढ़ गई है तो इस हिसाब से ये महंगा हो गया है। देखो इसी तरह का था ना, इस पर देख लो बॉक्स पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था, यही है यार, ठीक है। बाद में इसे उठा लेंगे यहाँ से, तो अब इसे खोलते हैं। तो इस तरीके की पैकेजिंग है, मैं इसे काट लेता हूँ यहाँ से। तो बॉक्स के अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। इस तरीके का एक बैग है, क्योंकि इसे इधर से उधर लेके जाया जा सकता है। ये ले सब्जी ले आई इससे तेरे काम आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर ये पंप है गाइस, ये पंप है जिससे कि इसे फुला सकते हैं, इसके अंदर हवा भर सकते हैं। देखो इस तरीके का एक इलेक्ट्रिकल पंप है, ये इसकी मैनुअल है और ये रहा पंप। और ये नोजल्स हैं जो कि मैं भी अपने सोफे के अंदर लगेंगे, और ये इसकी फिटिंग्स है जो कि इस तरीके से फिट होती है, देखो। और बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, सीधा ही 240 वोल्ट के प्लग के अंदर, वोल्ट के प्लग के अंदर डाल दो, ठीक है। और ये रहा हमारा सोफ़ा। वजन तो है यार गाइस, सोफे में वजन है, मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ध्यान रखना, इससे भी बाद में उठा लेंगे, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर हमें बस ये दो चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, बाकी और कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसे खोलते हैं और फैला के देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं फैलाता हूँ इसे, ये देखो इतना बड़ा है। आ जाओ यार, शक्ल क्या देख रहे हो, सारे नीचे मुझे इक्के दुक्के, आ जाओ इसको फैलाते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। काफ़ी बड़ा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस तरीके का है, तो वो बोर्ड ले आ, प्लग करते हैं, इसके अंदर हवा भर के देखते हैं, फिर आई थिंक समझ में आएगा कि क्या सिस्टम है, क्या सीन है इसका। ये इसके अंदर इस तरीके के नोजल्स हैं जो कि इस तरीके से लग जाते हैं, ठीक है। तो इसे मशीन को सीधा ही इसके अंदर लगा देते हैं इस तरीके से, चला। A few moments later. तो गाइस यार हम सोच रहे थे कि लाइटें चली गई है, लेकिन लाइटें नहीं, इसके अंदर यहाँ पर स्विच है वो बंद था, ठीक है। देखो ये छोटा सा स्विच है, ये ध्यान रखना, वरना है ना परेशान होते ही रहोगे कि हवा क्यों नहीं भर रही है। तो मशीन को चलाते हैं, वो तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोफा है वो फूलना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। अरे ये सीधा किधर से इधर से ही है, इधर से ही है। चलो हवा भरने लेते हैं अब इसमें। तो गाइस अलग अलग पॉइंट से अभी हमें जो है एक दूसरी जगह से भरना होगा। यहाँ पे हमने भर दिए, यहाँ से बंद कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं और इसे लगा देते हैं। अब इसकी दूसरी जगह है वहाँ पे भरते हैं, ठीक है। इसकी और छेद होना चाहिए, रहा इस साइड में गाइस, देखो यहाँ पे ये रहा, इसको खोलते हैं और इसमें भी हवा भरते हैं। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला जिसमें अपन बैठते हैं उसके अंदर भी हवा भर गई है। और ये देखो यहाँ पे काफी अच्छी डिजाइन दे रखी है यार, पैटर्न्स
ऐसा लुक आता है जो बिल्कुल जैसे कि कोई रियल सोफा होता है ना स्प्रिंग वाला, बिल्कुल वैसा। तो यहाँ पे भी हवा भर चुकी है, ठीक है गाइस। अभी हमें उसके अंदर और भरनी होगी जिसके ऊपर अपन पैर वैर लटका सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो गाइस एक तरफ यहाँ पर भी है सोफे को उधर खिसकाते हैं और यहाँ पर इस वाले के अंदर भी हवा भर देते हैं, ठीक है। तो गाइस यार जब तक इसके अंदर हवा भर रही है इसका थोड़ा सा मुहूर्त करते हैं, ठीक है। मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस यार कंफर्टेबल तो है यार, वही कंफर्टेबल तो है। मैं सोच रहा था कि हवा भरी हुई है तो मतलब थोड़ा अलग टाइप का सिस्टम होगा, लेकिन नहीं गाइस कंफर्टेबल है। देखो इतना बड़ा है, मेरा साइज देख लो और आपको मेरे साइज से आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। हाँ फोटो के अंदर थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इस तरीके का देख लो, और ये देखो ये भी भर रहा है धीरे धीरे। ये भी भर जाए तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, इसको घुमा के इसके नीचे डाल सकते हैं, फिर इसकी जो हाइट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी बढ़िया है यार। बस हो गया। तो गाइस लगाते कैब लगा दे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो वो टीवी वाला सोफा है वो फूल के तैयार हो चुका है, तो इसे इस तरीके से भी काम में ले सकते हैं। वरना देखो इसे उठा के इस तरीके से करके, अरे कितना हल्का है देख गाइस, छोड़िए फिर छोड़िए उठा के देखो कितना हल्का है। और ये हो गया काम, चलो बॉस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी साइज, और ये बस इसकी एक दिक्कत है कि अगर जल्दी से अपन तेजी में आके इधर से ऐसे बैठ गए ना तो ये ऐसे ऐसे उलट जाएगा। तो इसके साथ में थोड़ा इंसानियत बरते और तरीके से आके ऐसे इस तरीके से बैठे हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है। और अगर ज़ोर से ऐसे किया तो ये पीछे भी उलट सकता है। तो चलो इसका एक थोड़ा सा है ना एक्सट्रीम टेस्ट लेते हैं। इसकी जो रेटिंग है वो है 295 केजी, मैंने आपको बताया था, लेकिन हम क्या करते हैं वो चिपक गया, अच्छा ऐसे घूम गया है ना, हम इस पर सब बैठ के देखते हैं और देखते हैं कि ये हम सबका वजन खम पाता है या फिर नहीं, ठीक है। फैला दे, आ जाओ जिसको बैठना आ जाओ, फट मत जाइए बस। तो भाई साहब देख सकते हैं मोटे का वजन तो आपको पता ही है, आप खुद देख लो कितना होगा ये इस मोटे का भी वजन। बाकी आप देख सकते हैं कि हम सबका वजन इसने आसानी से उठा लिया, फट तो नहीं रहा यार, 300 केजी से ज्यादा हो गया अपने में। देख 70 मेरे में, 70 बलवीर में, 85 तो सीधे हो गए। तो गाइस यार इसकी जो रेटिंग है उससे भी ज्यादा वजन हमने इस पे डाल दिया है, और ये जो है हमारा वजन तो उठा रहा है यार, मस्त है, मस्त है ना, मस्त है। और गाइस वो जो अपन वो नॉर्मल वो सोफे लेते हैं ना बाजार से, वो 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 तक आते हैं। अगर आपको सिर्फ कंफर्ट के लिए या फिर अपना कोई पर्सनल रूम है उसके अंदर रखना है तो बढ़िया चीज़ है, वरना तो अभी पता पड़ जाएगा। तो चलो इसे थोड़ा सा इसका और क्रैश टेस्ट लेते हैं, खड़ो जल्दी खड़ो जाओ, अब इसे फेंक के देखते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 आप देख सकते हैं इतना हल्का है कि हवा से उड़ रहा है। इधर लेके आ जल्दी इसके ऊपर, अब कूद के भी देखते हैं, ठीक है। रियल टेस्ट तो वही होगा जब अपन इस पे कूदेंगे, ठीक है। वापस यहाँ पे लेके ऐसे ऐसे फैला दे, देख मैं कूद के देखता हूं। काफी हल्का है, मस्त। हाँ यहाँ पे जमा दे, नीचे ही नीचे जमा दे, हाँ यहीं पे जमा दे, थोड़ा आगे थोड़ा आगे, ठीक है गाइस कूदूं। हाँ पलट नहीं जाएगा ऐसे, पकड़ लेना पकड़ रखे, अब ऐसे पलट जाएगा उल्टा, अरे नहीं पलटेगा, नहीं पलटेगा पक्का, कूद जाओ कूदो, ठीक है गाइस कुछ भी हो सकता है, रुक जाओ। नाक क्यों बीच रहा हूँ पानी में, क्या हमेशा पानी में कूदते हैं इसलिए आदत पड़ी हुई है, ठीक है। पकड़ लेना, मैं इधर उधर जा सकता हूँ, 1, 2, 3 गाइस ट्रेम्पोलिन बन गया छोटे बच्चों का तो ये। बाकी आप देख सकते हैं कि मैं जो है इसे इतने ज्यादा टॉर्चर कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये आसानी से मेरा भी वजन कम रहा है, और कुल मिला मस्त चीज है। तो यही दिक्कत है इसकी, छोड़ना छोड़िए छोड़िए, देख पीछे जाता है क्या, है ना, रुक जा, 1, 2 ओ तो भाई बस यही इसकी प्रॉब्लम है, बाकी सब बढ़िया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
चश्मा ऊपर आ गई।